हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका कविता के किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं बाजार में मिलने वाला ड्राई मंचूरियन। तो ये बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, सिर्फ एक पत्ता गोभी में मैंने पूरे घर के लिए ड्राई मंचूरियन बनाया है। आओ बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने बारीक बारीक काट लिया है एक पूरा पत्ता गोभी जो 250 ग्राम का था। उसके साथ मैंने ले अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है और 2 चम्मच कश्मीरी लाल चिली पाउडर है, 1 कप कॉर्नफ्लावर है। अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लंबा कढ़ाई ले लिया है, उसके अंदर मैंने जो बारीक बारीक काट लिया है ना पत्ता गोभी, वो हम पूरा डाल देंगे। उसके साथ ही हम डालेंगे ऊपर से सॉल्ट। सॉल्ट से ना वाटर रिलीज करेगा, थोड़ा सा ना हाथ से मसल लो। उसके बाद एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे, 1.5 कप उबले हुए चावल। ये चावल डालने से ना हमारे मंचूरियन है वो अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है ना तो आप चावल का आटा भी इसकी जगह पे डाल सकते हो। इसके साथ मैं डालूंगी ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। इधर मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा इस्तेमाल किया है और 2 टेबलस्पून रेड चिली कश्मीरी मिर्च डाला हुआ है। उससे ना क्या होगा, बाहर जैसा रेड कलर आ जाएगा। अच्छे से सभी को मसल लो। अभी इसके अंदर हमें कॉर्नफ्लावर डालना है, 1 कप का मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर से क्या होगा ना, सब चीज़ ना बाइंडिंग हो जाएगी। अगर कॉर्नफ्लावर डालने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि पानी लूज हो रहा है या फिर थोड़ा सा लूज जैसा डो लग रहा है तो आप और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल सकते हो। देखो इस तरह से मंचूरियन बॉल बनना चाहिए। तो हमारा जो डो है मंचूरियन का वो बिल्कुल तैयार है तलने के लिए। देखो ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने इधर एक मंचूरियन डाल के देखा, देख लेते हैं। देखो कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा रेड जैसा कलर आना चाहिए। हमारा मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। अभी हम बाकी सारे मंचूरियन इस तरह से फ्राई कर लेंगे। आओ तो बारी बारी हम सभी मंचूरियन डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आपको बाहर जैसा टेस्ट और कलर लाना हो ना तो आपको अजीनोमोटो और फूड कलर का इस्तेमाल करना होगा, पर इधर मैंने नहीं किया है बिकॉज ये अजीनोमोटो हेल्दी नहीं है और ना ही तो फूड कलर, बिकॉज बच्चे बूढ़े भी रहते हैं घर पे। तो अगर आप इस तरह से बनाओगे ना तो आपके घर पे कोई भी खा सकेगा। और इधर मैंने अजीनोमोटो का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया हुआ है, वो बहुत ही डेंजरस है अपने हेल्थ के लिए। और अगर आपको फूड कलर यूज़ करना है ना तो आपको रेड ऑरेंज फूड कलर यूज़ कर सकते हो, पर इधर मैंने नेचुरल वे में ही फूड कलर यूज़ किया हुआ है। देखो हमारे मंचूरियन सभी को तल के ना हो गए हैं, देखो रेड कलर भी आ गया है। अभी हम निकाल लेंगे कलछी की मदद से। तो इसी तरह से हमें बारी बारी सभी मंचूरियन डीप फ्राई कर लेना है जब तक रेड ना हो जाए तब तक, कुछ इस तरह से। तो मंचूरियन रेडी है, आओ उसको बाहर जैसा लुक देते हैं। अगर आपके पास ऐसी प्लेट अवेलेबल नहीं है ना तो कोई भी प्लेट ले लो, उसके नीचे ना पत्ता गोभी के पत्ते डाल दो, मंचूरियन डाल दो। और मंचूरियन शेजवान चटनी के बिना तो अच्छा नहीं लगता है, और ढेर सारा शेजवान चटनी, बिकॉज मंचूरियन का असली मज़ा तो उसकी चटनी के साथ ही आता है। ऊपर से थोड़ा सा पत्ता गोभी स्प्रिंकल कर लो और सर्व करो गरम गरम। थैंक यू एवरीबडी हु आर माई वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since